बड़ी खबर, लुहांस्क में रशियन मिलिट्री का यूक्रेन पर बड़ा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने T-72 B3 टैंक से यूक्रेन पर किया भीषण प्रहार। शॉट दिखाएं जरा बगल में। लुहांस्क पर कब्जे के लिए रूसी मिलिट्री ने लगाया पूरा जोर। रूस की यूक्रेनी ठिकानों पर टैंक से ताबड़तोड़ फायरिंग, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर लुहांस की तस्वीरें आपने देखी। सीधे आइए एक और बड़ी खबर पर। वो बड़ी खबर यह है किस तरीके से रूस ने यूक्रेन पर भीषण मिसाइल अटैक किया। शॉट दिखा यहां पर। रूस का पंतसीर S-1 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से हमला। लुहांस्क और डोनेस्क में एकाएक मरियोपोल पर कब्जा होता जा रहा और वहां पर जंग बहुत तेज हो गई है। बिल्कुल, वहां पर जंग बहुत तेज हो गई है निशांत। और आपको मैं एक अहम बात बताऊं, यूक्रेन की जो आर्म्ड फोर्स है उनके जनरल स्टाफ की ओर से यह कहा गया है, ऑन रिकॉर्ड कहा गया है कि पूरी कवायद कर रहा है एनमी, यानी कि रशिया ये कवायद कर रहा है कि क्रीमिया के साथ में लैंड कॉरिडोर बना लिया जाए लुहांस्क और डोनेस पर पूरी तरह से कैप्चर करके, और उस कोशिश में लगे हुए हैं। लगातार वहां पर एयर स्ट्राइक हो रही है। और इसके साथ साथ में एक अहम बात यह भी है कि उन्होंने जो उनका दावा है 70-80% ऐसा हिस्सा है जो कि उनके अंडर कंट्रोल में आ चुका है, वहां से सिविलियंस को निकाला जा रहा है। क्योंकि अब जो लड़ाई है वो, जैसे पोपासना की अगर मैं बात करूं आपसे, दो इंपॉर्टेंट जगह है पोपासना और क्रामतोरास्क, इनमें लड़ाई एग्जैक्टली सिविलियन इलाकों में आ गई है, तो वहां बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए वहां से उनको निकालने की भी कवायद की जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज स्टे विद अस। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।